नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीनीज पोर्टल। आज कुछ किसान नेता खाद की किल्लत और कालाबाजारी के लिए SDM कार्यालय में ज्ञापन देते हुए बताइए कमलेश जी, आज ज्ञापन दिया किस बात के लिए लेकर आपने ज्ञापन दिया? ये इसलिए दिया है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसान इधर उधर भटक रहे हैं और कहीं मिल भी रहा है तो कालाबाजारी से मिल रहा है। 1600 में बेचा जा रहा है, कोई 1400 में बेच रहा है, तो किसानों को परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमको खाद उपलब्ध कराया जाए, इसलिए किसानों को राहत मिल सके। आप भी बताओ क्या प्रॉब्लम है। ये किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए और वाजिब रेट पे उपलब्ध कराया जाए और ये जो जमाखोरी कालाबाजारी हो रही है उसको रोका जाए और तुरंत अधिक से अधिक मात्रा में खाद उपलब्ध कराकर किसानों को राहत पहुँचाए। आज हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है और जो उपलब्ध हो रहा है तो कालेबाजारी के हिसाब से हो रहे हैं कि जो निर्धारित मूल्य है उससे कई गुने ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा यह है कि उपखंड अधिकारी से यदि इस तरह का सिस्टम चलता रहा तो हम 2 दिन के अंदर यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम ज्ञापन धरना प्रदर्शन जारी करेंगे और इसका विरोध करेंगे। जमीन तो